हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड टू सक्सीड। आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारत के जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके बारे में। तो इसमें जो है इनकी क्या स्थलीय सीमा लगती है, इंडिया से जल सीमा किन देशों के साथ लगती है, और जो है इन देशों की मुद्राएं क्या रहने वाली हैं, तो हम सारी कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी करंट एग्जाम्स की नई अपडेट या कोई नई वैकेंसी आती है या फिर इसी तरह की क्लासेस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम अपनी नाइबरिंग कंट्रीज़ के बारे में। तो सबसे पहली कंट्री है हमारी अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की जो बॉर्डर लेंथ है वो 106 किलोमीटर है। सबसे कम बॉर्डर लेंथ सिर्फ अफ़गानिस्तान के साथ लगती है, आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, 106 किलोमीटर। और जो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं ये दारी पास्तो, और जो यहाँ की करेंसी है वो अफ़गान अफ़गानी है, तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। इसके आगे हम बात करें जो है अगली कंट्री की बात करें तो वो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है आपकी, इसकी जो बॉर्डर लाइन है वो 4096.7 किलोमीटर स्थलीय सीमा लगती है, और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की बंगाली है, और करेंसी है बांग्लादेशी टका, तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिए। और जो है लास्ट में, इस वीडियो को लास्ट तक आप देखना, इसकी जो है एक ट्रिक भी बताऊँगा आपको याद करने के लिए, कि आपको जो है ट्रिक से कैसे याद करना है। अगली जो कंट्री हमारी है वो है भूटान। तो भूटान के साथ 699 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन शेयर करता है इंडिया, और ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ की दजोंखा इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और करेंसी की बात करें तो नगल ट्रम यहाँ पे करेंसी यूज़ की जाती है। भूटान की करेंसी कई बार एग्जाम्स में बार बार पूछी जा चुकी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और जो हमने सबसे ऊपर अफ़गानिस्तान कराया था, तो ये एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, और कई बार पूछ लेता है कि जो है किस देश के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है भारत, तो वो है 106 किलोमीटर अफ़गानिस्तान। इसके आगे हम बात कर लेते हैं हमारी अगली कंट्री, वो है चाइना। चाइना की बात करें तो इसकी जो बॉर्डर लाइन है वो 3488 किलोमीटर है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो मैंड्रेरिन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और करेंसी की बात करें तो चाइनीज़ युआन यहाँ की करेंसी है। तो हमने सारी चीज़ देख ली है इसमें चाइना के साथ साथ क्या क्या रहता है। और अगली कंट्री है हमारी म्यांमार। तो म्यांमार की जो बॉर्डर लाइन है वो 1643 किलोमीटर है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो बर्मीज यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है, और करेंसी यहाँ पे बर्मीज क्यात चलती है, तो क्यात जो है यहाँ पे बर्मीज क्यात करेंसी यूज़ की जाती है। इसके आगे हम बात करें हमारी जो छठी कंट्री है उसके बारे में, तो नेपाल, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करती है हमारे इंडिया के साथ। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो नेपाली यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और करेंसी की बात करें तो नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी है। तो कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि नेपाली की करेंसी क्या है, और नेपाल की करेंसी क्या है सॉरी, और नेपाल की जो आपकी कैपिटल है वो है काठमांडू। इसके आगे हम बात करें हमारे अगले देश के बारे में, तो अगला जो देश है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमारी जो बाउंड्री साझा करती है वो 3323 किलोमीटर स्थलीय सीमा साझा करती है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की उर्दू है, और यहाँ पे करेंसी चलती है पाकिस्तानी रुपया। इसके आगे हम बात करें हमारी जो आठवीं कंट्री है उसके बारे में, तो ये श्रीलंका है। यहाँ पे जो है सी बॉर्डर साझा करती है इंडिया के साथ, और ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो सिन्हाला और तमिल यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। करेंसी श्रीलंकन रुपीज़ यहाँ पर चलता है करेंसी में, तो आप इन पॉइंट को ध्यान में रखिए। इसके आगे हम बात करें हमारी जो नौवीं कंट्री है, नाइन्थ कंट्री में बात करें तो मालदीव्स है नौवीं कंट्री। मालदीव्स जो है एक सी बॉर्डर है, सी मतलब जलीय सीमा साझा करती है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की है दिवेही, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। बात करें जो है, अब हमने जो है सारी नौ की नौ कंट्रीज देख ली हैं कि कौन कौन सी इंडिया के साथ साझा करती हैं। अब बात करें इसकी ट्रिक के बारे में, तो हम ट्रिक देख लेते हैं इसकी। तो ये ट्रिक रहने वाली है आपकी, इसमें जो है आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है बचपन में MBA, तो आप इसको याद करके आप अपनी इंडिया की नाइबरिंग कंट्री हैं उनको ध्यान में रख सकते हैं। बचपन में MBA मतलब आप, या फिर बचपन में BA जो कुछ कहना कह सकते हैं। और यह कई ट्रिक आप लोगों को पहले भी पता होगी, कई लोगों ने बताई भी होगी, तो आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए। बी से बांग्लादेश रहता है, और सी से आपका चाइना, पी से पाकिस्तान रहता है, नेपाल, और फिर उसके बाद में एम से म्यांमार, और बी से भूटान, और ए से अफ़गानिस्तान रहता है। तो आप इस ट्रिक को याद करके आप जो है इसे याद कर सकते हैं।
ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें इस वीडियो में देख ली हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी करंट एग्जाम्स की नई अपडेट या कोई नई वैकेंसी आती है और या ऐसी क्लास फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यूपी स्पेशल की क्लासेस जो हैं वो आप ज़रूर देखें क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं यूपी स्पेसिफिक एग्ज़ामों के लिए। थैंक यू।